तो आईपीएल 2024 से पांच बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। जहां आईपीएल 2024 की नीलामी के लिए खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिसमें टोटल 1116 खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया है, मिनी ऑक्शन में अपना नाम दिया है। अब इन सभी खिलाड़ियों में पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना नाम आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के लिए नहीं दिया है, यानी कि ये सभी पांच खिलाड़ी न ही नीलामी का हिस्सा होंगे और न ही आईपीएल 2024 का हिस्सा होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने, सभी 10 टीमों ने प्लेयर रिटेंशन में अपना अपना कंफर्म रिलीज और रिटेन प्लेयर लिस्ट अनाउंस कर दिया था। अब रिलीज होने वाले सभी खिलाड़ी मिनी ऑक्शन में जाएंगे, तो वहीं कुछ और भी नए खिलाड़ी हैं जो इस बार आईपीएल 2024 के ऑक्शन में आएंगे, जिसमें नाम ट्रैविस हेड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ड्राइल मिचेल, रचिन रविंद्र समेत और भी जबरदस्त खिलाड़ी हैं। तो इस लिस्ट में पहले खिलाड़ी हैं जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन से 8 करोड़ में खरीदकर अपने टीम में शामिल किया था। अब पिछले साल ये 5 मुकाबला खेले भी थे, लेकिन उसके बाद इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। अब जो 5 मुकाबला खेले थे उसमें इनका परफॉर्मेंस भी काफी खराब रहा था, ये पूरी तरह से फिट नहीं थे और पिछले 1.5-2 साल से ये लगातार इंजर्ड चल रहे हैं, जिसके कारण ये वर्ल्ड कप 2023 भी नहीं खेल पाए। लेकिन अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जोफ्रा आर्चर को आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले ही बता दिया था कि वो आईपीएल 2024 ना खेलें, वो अपना वर्कलोड मैनेज करें और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलने पर अपना ध्यान दें, वहां तक फिट होने की कोशिश करें। जिसकी वजह से जोफ्रा आर्चर ने मुंबई इंडियंस की टीम को पहले ही बता दिया था कि वो आईपीएल 2024 के लिए अवेलेबल नहीं है, वो नहीं खेलेंगे। इसी वजह से मुंबई इंडियंस ने इन्हें अपनी टीम से रिलीज यानी कि बाहर कर दिया था। लेकिन अब जोफ्रा आर्चर मुंबई इंडियंस की टीम से रिलीज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में अपना नाम नहीं देंगे, ये पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। तो वहीं दूसरे खिलाड़ी हैं जो रूट, इंग्लैंड के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अब जो रूट पिछले साल राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा थे, जहां राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 1 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था। पिछले साल ये 3 मुकाबला आरआर की तरफ से खेले भी थे, लेकिन इस बार आईपीएल 2024 के प्लेयर रिटेंशन से पहले ही जो रूट ने राजस्थान रॉयल्स टीम मैनेजमेंट को बता दिया था कि वो आईपीएल 2024 के लिए अवेलेबल नहीं है, वो आईपीएल 2024 नहीं खेलेंगे। इसी वजह से राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें भी अपनी टीम से रिलीज यानी कि बाहर कर दिया था। और अब जो रूट ने आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में अपना नाम नहीं दिया है, तो जो रूट भी ना ही नीलामी का हिस्सा होंगे और ना ही आईपीएल 2024 खेलते हुए दिखाई देंगे। तो इस लिस्ट में तीसरे खिलाड़ी है बेन स्टोक, इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। अब लास्ट ईयर सीएसके ने इन्हें ऑक्शन से 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन बेन स्टोक लास्ट ईयर सीएसके के लिए सिर्फ 2 से 3 ही मुकाबला खेल पाए थे, क्योंकि ये इंजर्ड थे। लेकिन इस बार मिनी ऑक्शन से पहले सीएसके ने बेन स्टोक को अपनी टीम से रिलीज यानी कि बाहर कर दिया था, वो इसलिए क्योंकि बेन स्टोक ने पहले ही बता दिया था चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी को कि वो आईपीएल 2024 के लिए पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 के बाद इनका सर्जरी होना था। ये लंबे समय से क्रिकेट से दूर रहते और इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्हें अपनी टीम से रिलीज यानी कि बाहर कर दिया था, यानी कि वो ना नीलामी का हिस्सा होंगे और ना ही आईपीएल 2024 खेलेंगे। अब बात करें चौथे और पांचवें खिलाड़ी के बारे में, तो उससे पहले अगर आप भी डेली आईपीएल और क्रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फास्ट, सबसे पहले हर एक न्यूतन अपडेट्स और वीडियो सबकी डेली ड्रीम 11 फैंटेसी टीम बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में पाना चाहते हैं, तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए, आइए वहां पर काफी अपडेट्स सबसे पहले दी जाती हैं। अब पढ़ते हैं वीडियो की ओर। वहीं चौथे खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के जबरदस्त ऑलराउंडर साकिबुल हसन। अब केकेआर ने इन्हें लास्ट ईयर ऑक्शन से 1.5 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन ये पूरा सीजन एक भी मुकाबला केकेआर की तरफ से नहीं खेल पाए थे पर्सनल रीजन की वजह से। लेकिन अब आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले प्लेयर रिटेंशन में केकेआर ने इन्हें अपनी टीम से रिलीज यानी कि बाहर कर दिया था। रिलीज होने के बाद साकिब हसन चाहते तो अपना नाम मिनी ऑक्शन में दे सकते थे, लेकिन इस बार भी अपने पर्सनल रीजन की वजह से साकिब हसन ने मिनी ऑक्शन में अपना नाम नहीं दिया है, यानी कि ना ये नीलामी का हिस्सा होंगे और ना आईपीएल 2024 खेलेंगे, अपना नाम इन्होंने वापस ले लिया है। जबकि पांचवे खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के ही जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज और विकेट कीपर लितन दास, जहां ये भी लास्ट ईयर केकेआर टीम का हिस्सा थे, सिर्फ एक ही मुकाबला खेल पाए थे और उसके बाद इन्हें दोबारा मौका ही नहीं दिया गया था। हालांकि सिर्फ 50 लाख रुपए में इन्हें खरीदा गया था, लेकिन केकेआर की टीम ने इन्हें भी अपनी टीम से रिलीज यानी कि बाहर कर दिया था और इस बार मिनी ऑक्शन से पहले लितन दास ने भी अपना नाम वापस ले लिया है, अपना नाम आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में नहीं दिया है। तो ये भी बाहर हो चुके हैं आईपीएल 2024 से। ये रहे पांच बड़े खिलाड़ी जो आईपीएल 2024 का हिस्सा नहीं होंगे।